सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ वाई पे एंड ओमनी कार्ड का। दोस्तों ये जो है दोनों नियो बैंक है, दोनों अपने बिल्कुल बेस्ट नियो बैंक्स है। और अगर आप दोनों में से किसी में भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं तो वही आज मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ। देखना है कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ओमनी कार्ड या फिर वाई पे। तो वाई पे भी काफ़ी अच्छा, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अंडर रेटेड रहा है और काफ़ी पहले से रहा है अंडर रेटेड। इसका रेटिंग वगैरह भी प्ले स्टोर पर काफ़ी कम है। और ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, वाई पे भी अच्छा है, ओमनी कार्ड भी अच्छा है। दोनों अपने बिल्कुल बेस्ट न्यू बैंक्स है अभी तक का। अभी तक कोई इनको टक्कर नहीं दे पाया दोनों न्यू बैंक्स को। और लेकिन दोनों में से कौन ज़्यादा बेस्ट है, कौन ज़्यादा अच्छा है, वही आज मैं कंपेरिजन करके देखने वाला हूँ। और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप दोनों में से किसी में भी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, फिर दोनों में से किसी में भी अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं आप, फिर भी एक बार देख लीजिए वीडियो को पूरा, क्योंकि दोस्तों मैं सारे पॉइंट्स को आज कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोनों के कार्ड्स का, मतलब वाई पे ऐप एंड ओमनी कार्ड ऐप के कार्ड्स का। दोस्तों तो दोनों कार्ड्स दोनों ऐप में आपको मिल जाता है वर्चुअल कार्ड। या दोस्तों वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा आपको ऐप में, आप ऐप खोल के आराम से कार्ड कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस वर्चुअल कार्ड वगैरह मिल जाएगा आपको, जिससे आप आराम से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। और दोनों ही केस में आपको मिल जाएगा रुपए कार्ड मिलेगा आपको दोस्तों, जो कि इंडिया में सिर्फ काम करता है, इंटरनेशनल वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते प्रीपेड कार्ड। बात करूँ मैं अगर दोनों के फिजिकल कार्ड का, तो दोस्तों ओमनी कार्ड जो है बिल्कुल फ्री है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी भी शायद फ्री ही है। और ये ओमनी कार्ड जो है वो आता है शायद ये अब इंडियन पोस्ट से दोस्तों, इंडियन पोस्ट जानते ही होंगे आप, और जो कि काफ़ी स्लो होता है, तो इंडियन पोस्ट से आता है ओमनी कार्ड दोस्तों। वाई पे में दोस्तों आपको मिल जाएगा, अब वाई पे में भी आपको मिल जाएगा वर्चुअल कार्ड, और फिजिकल कार्ड मिल जाता है दोस्तों। फिजिकल कार्ड का प्राइस लगभग 99 रुपीज़ रहता है, और कभी कभार बढ़ जाता है लाइक 200 रुपीज़ चल जाता है मैक्सिमम। और कार्ड ईयर मेरा एक ही है, लेकिन दोस्तों वाई पे ओमनी कार्ड ऐप में तीन कार्ड ईयर में आपको मिलता है, तीन टाइप का डीएन आपको मिल जाता है ओमनी कार्ड ऐप में। और वाई पे ऐप में सिर्फ एक ही कार्ड ईयर है, पहले दो तीन और था लेकिन दोस्तों वो सब हट गया, अब सिर्फ एक ही ईयर बचा हुआ है। और वही आप मंगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कार्ड मुझे लगा है वाई पे का दोस्तों, क्योंकि वाई पे का कार्ड आपको वर्क करता है एटीएम पर। प्रॉब्लम ये है वाई पे कार्ड, क्योंकि वाई पे कार्ड में आप नेम प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका खुद का नेम प्रिंट नहीं होगा वाई पे कार्ड में, लेकिन दोस्तों ये जो कार्ड है ये वर्क करने वाला है आपके एटीएम पर आराम से। आप इससे एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से। और शायद 10,000 तक का लिमिट है दोस्तों, प्लस आपको चार्ज देना पड़ेगा जो कि है 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी। मैंने इस पर टेस्ट वगैरह भी किया, आप जाके दे सकते हैं वीडियो, आराम से जाके देखिए वीडियो एटीएम टेस्ट वगैरह वाई पे ऐप का। और दोस्तों ओमनी कार्ड जो है वो बिल्कुल ही वर्क नहीं करता एटीएम पे, आप ट्राई मत कीजिए बेकार, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ओमनी कार्ड साफ साफ बोल चुका है कि उनका जो कार्ड है वो ओमनी कार्ड वो वर्क नहीं करता एटीएम पर। या दोस्तों सिर्फ आपको इसको आप दुकान वगैरह पे फिजिकल कार्ड को दुकान वगैरह में शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा दोनों कार्ड है, आप चाहे तो मैं दोनों का रेफरल कोड आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो मेरे रेफरल को यूज़ कीजिए, और कीजिए अकाउंट क्रिएट, कुछ आपको रिवार्ड वगैरह मिल जाएगा। और उसमें दोनों में फीचर मिलता है दोस्तों, आपको बैंक ट्रांसफर करिए दोस्तों, अपना पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। मैं बात करता हूँ दोनों के लिमिट्स एंड चार्जेस का, तो दोस्तों सबसे पहले बता दूँ आपको वाई पे दोस्तों कोई चार्ज नहीं है। जहाँ दोस्तों एक दिन में आप 2,000 रुपये तक आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं वाई पे ऐप के थ्रू कोई भी बैंक अकाउंट में। महीने का शायद 1 लाख का लिमिट रहता है इनका, और 2,000 पर दिन, और दो बाकी ऐड करने में कुछ लगेगा चार्जेस, लेकिन दोस्तों ट्रांसफर करने में कोई चार्जेस नहीं है। अभी बात करता हूँ ओमनी कार्ड ऐप का दोस्तों, ओमनी कार्ड में एक लिमिट है दोस्तों। ओमनी कार्ड में मिनिमम आपको 100 रुपीज़ ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, मिनिमम 100 रुपीज़ है, और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ है मंथली। चाहे आप एक दिन में ट्रांसफर कर दे 10,000, या फिर 10 दिन में ट्रांसफर करें, या एक महीना लगा दे आप पूरा ट्रांसफर करने में, लेकिन दोस्तों आपको 10,000 तक का लिमिट मिल जाएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जाके कमेंट कीजिए, आप मुझे ही बताइए कितना चार्जेस लगता है ओमनी कार्ड में बैंक ट्रांसफर के लिए। बाकी ये था चार्जेस एंड लिमिट्स वगैरह दोनों का बैंक ट्रांसफर के लिए। तो मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा मुझे लगा है वाई पे। तो अगर आपको यूज़ करना है बैंक ट्रांसफर के लिए पैसा, तो आप वाई पे यूज़ कर सकते हैं। आप ओमनी कार्ड अगर बहुत ज़्यादा अगर पैसा ट्रांसफर करना है 10,000 तक करना है, तो ही आप यूज़ कीजिएगा ओमनी कार्ड, नहीं तो फिर मुझे लगा वाई पे ज़्यादा अच्छा लगा है। पर दिन 2,000 मेरे लिए काफ़ी है, उतना मैं दूसरे ज़्यादा मैं ट्रांसफर करता भी नहीं हूँ पैसा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है वाई पे इस फीचर के मामले में। और सर बात करता हूँ अलग अलग वेबसाइट्स एंड ऐप्स पे ऑफर का, दोनों में दोस्तों आपको भर भर के ऑफर मिलता है, लेकिन दोस्तों मुझे ज़्यादा अच्छा ऑफर्स लगा है ओमनी कार्ड का। वाई पे में ऑफर्स बहुत ज़्यादा, लेकिन दोस्तों मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि इनका ऐप का इंटरफेस जो उतना अच्छा नहीं है जितना ओमनी कार्ड का है, तो मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ वाई पे में। और लेकिन दोस्तों वाई पे में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टॉपिक्स से आपको मिल जाता है बहुत सारा ऑफर, लेकिन दोस्तों मुझे अच्छा लगा ओमनी कार्ड का। ओमनी कार्ड में आपको ओमनी कुछ खर्च करना पड़ेगा ऑफर लेने के लिए, लाइक मिंत्रा का ऑफर मिल जाएगा, बेवकूफ़ जो आता है टी शर्ट वगैरह बनाते हैं बेवकूफ़ वाले, वो लोग उनका भी ऑफर मिल जाएगा, और भी बहुत सारा ऑफर मिल जाएगा आपको। तो ओमनी गेम्स वगैरह भी है, जिससे भी आप कुछ ओमनी अर्न कर सकते हैं ओमनी गेम्स के थ्रू, और बाकी ट्रांजेक्शन कीजिए और ओमनी अर्न कीजिए, उससे आप कुछ ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं ओमनी कार्ड के थ्रू। तो मुझे इसमें ओमनी का ज़्यादा अच्छा लगा है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कैशबैक्स का, तो दोस्तों मुझे लगता है दोनों ही ऐप जो है वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं कैशबैक के मामले में, क्योंकि दोस्तों और भी बहुत सारे न्यू बैंक्स हैं
जो कि मुझे पता नहीं था 10% से लेकर 30% तक का कैशबैक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जूनियर चल रहा है अभी ऑफर, जिसमें आपको 30% तक का कैशबैक मिल जाता है। तो मुझे ये सब जो है दोनों ओमनी कार्ड और वाइप पे दोनों ही काफ़ी पीछे लगता है कैशबैक के मामले में। दोनों दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैशबैक देते नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ क्या कैशबैक मिलेगा आपको। तो वाई पी में दोस्तों से बात करता हूँ, तो वाई पी आपको हर 100 रुपया स्पेंड करने पे, जी हाँ दोस्तों, हर 100 रुपया स्पेंड करने पे आपको मिल जाएगा 2 रुपये का कैशबैक। मतलब अगर आप 100 रुपया स्पेंड करते हैं तो आपको 2 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। और दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ ओमनी कार्ड का, दोस्तों ओमनी कार्ड में कोई कैशबैक वगैरह है नहीं, उसमें बस आपको कुछ ओमनी धरा दिया जाएगा, क्योंकि ओमनी मुझे बेकार लगता है, उसमें कुछ खास है नहीं ओमनी। वैसे ही मेरे पास 70,000 प्लस ओमनीज पड़ा हुआ है, कोई काम का है नहीं, बस पड़ा हुआ है, मैं यूज़ करता नहीं हूँ। और अगर कोई डोनेट करने का ऑप्शन हो तो मैं किसी को दे ही देता, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं डोनेट करने का, तो बस पड़ा हुआ है ओमनीज। और मुझे इस मामले में वाईपे ज़्यादा अच्छा लगा कि वाईपे कम से कम 2 रुपये दे रहा है, एटलीस्ट 2 रुपये देता है वाईपे हर 100 रुपये स्पेंड करने पे। वाईपे ओमनी कार्ड में तो कुछ नहीं देता है, बस ऑफर ग्रैब कर सकते हैं आप ओमनीज के थ्रू, जो कि ओमनीज आपको देता है। और कितना देता है शायद वो मुझे पता नहीं है, शायद जितना रुपये खर्च करेंगे शायद उतना ही ओमनीज देगा, मतलब 10 रुपये खर्च करेंगे तो 10 ओमनीज आपको मिल जाएगा, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, ऐसा ही कुछ है। तो ये था दोनों कैशबैक के मामले में, दोनों ही काफ़ी पीछे रहते हैं। और उसमें बात करता हूँ मनी ऐड करने पर चार्जेस का, दोस्तों ये जो है पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, तो ध्यान सुनिएगा इस पॉइंट को। तो सबसे पहले बात करता हूँ वाईपे का, दोस्तों वाईपे आपको प्रीपेड कार्ड यूज़ करने पर प्रीपेड कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, या दोस्तों ये 2 कार्ड से आपको लगेगा चार्जेस। मैं बता दूँ प्रीपेड का क्या होता है, तो कोई भी न्यू बैंक जो है वो सारा आपको प्रीपेड कार्ड ऑफर करता है। तो प्रीपेड कार्ड पर आपको मिल जाएगा लग जाएगा 1.5% चार्जेस, मतलब अगर 100 रुपये आप अगर ऐड करते हैं प्रीपेड कार्ड के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको 1.5 रुपये देना पड़ेगा चार्जेस। तो ऐसा चार्जेस है वाईपे आपका। और सो मुझे इसका पता नहीं है ओमनी कार्ड का कितना चार्जेस है, शायद उसमें भी 2.5% शायद है चार्जेस, मुझे कंफर्म नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन शायद 1.5% उसमें भी लगता है, लेकिन ज़्यादा ही मुझे लगता है, इतना पता ज़्यादा ही लगता है ओमनी कार्ड में। और अच्छा खासा चार्जेस आपको लेता है ओमनी कार्ड, तो मुझे ज़्यादा चार्जेस लगता है ओमनी कार्ड में। मुझे इस मामले में वाईपे ज़्यादा अच्छा लगा है, वाईपे कन्फर्म बिल्कुल बताता है ऐड मनी वाले सेक्शन में कि हाँ आपका इतना चार्जेस लग रहा है 1.5% चार्जेस, और ओमनी कार्ड जो कहीं कन्फर्म अच्छा से बताता नहीं है। तो यही कुछ था चार्जेस के मामले में, मुझे वाईपे ज़्यादा अच्छा लगा, वाईपे कम चार्जेस ले रहा है और ओमनी कार्ड से ज़्यादा चार्जेस ले रहा है। वाईपे ऐप में आपका UPI वगैरह फ्री है बिल्कुल, लेकिन दोस्तों वही ओमनी कार्ड में UPI फ्री है, लेकिन दोस्तों अगर आप कोई भी कार्ड यूज़ करते हैं दोस्तों, प्रीपेड कार्ड हो चाहे ना हो, कोई भी कार्ड पे आपका लग जाएगा 1.5% से 2.5% चार्जेस, तो आप मत ही यूज़ कीजिए कार्ड्स ओमनी कार्ड में। तो कुछ ऐसा दोस्तों ओमनी कार्ड में आप मत ही यूज़ कीजिए, कार्ड वगैरह तो अच्छा रहेगा, यूज़ कीजिएगा तो कुछ चार्जेस आपको देना पड़ जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हेल्प में सपोर्ट का, यहाँ दोस्तों हेल्प में सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर कुछ फंस जाता है का पैसा वगैरह, तो यही सब आपको वापस बचा सकता है, वापस आपका पैसा दिला सकता है रिफंड। तो उससे बात करता हूँ आपसे पहले वाईपे ऐप का, दोस्तों वाईपे ऐप में हेल्प एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, दोस्तों कोई ऑप्शन है ही नहीं हेल्प एंड सपोर्ट का, और है भी तो वर्क करता नहीं अच्छा से, मतलब बिल्कुल बेकार हेल्प एंड सपोर्ट है। अगर आपको वाईपे में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इनको इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, प्लस आपको और इन्हें ईमेल वगैरह करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने रिप्लाई करने बहुत लेट लगाते हैं, प्लस मुझे मेरा ही पैसा एक बार अटका था 25 रुपये, अभी तक रिफंड मिला नहीं उसका, तो मैं बिल्कुल भूल ही गया उस पैसे को। लेकिन दोस्तों ठीक ही है यार, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, पहले ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन दोस्तों जब से इनका ऐप अपडेट हुआ है, वाईपे ऐप जो है वो अपडेट हुआ है, अभी नया अपडेट आया है, तब से ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम मुझे आ नहीं रहा है पैसा वगैरह कटने का, मतलब पैसा डेबिट हो जाएगा लेकिन दोस्तों आपका ऐड नहीं होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे अभी तक आया नहीं है वाईपे ऐप अपडेट होने के बाद। और सर बात करता हूँ ओमनी कार्ड का, तो ओमनी कार्ड में आपको मिल जाता है हेल्प एंड सपोर्ट, और बाकी दोस्तों मुझे भी एक बार प्रॉब्लम हुआ था कुछ ओमनी कार्ड में, और मुझे काफ़ी अच्छे सपोर्ट मिला था इनसे, ओमनी कार्ड वाले काफ़ी अच्छे सुनते हैं, मुझे लगा है ओमनी कार्ड काफ़ी अच्छा है हेल्प एंड सपोर्ट के मामले में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो मुझे लगता है ओमनी कार्ड यूज़ कीजिए, ओमनी कार्ड में हेल्प एंड सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप हेल्प एंड सपोर्ट के थ्रू काफ़ी अच्छे से अपना पैसा को रिफंड वगैरह करवा सकते हैं। और उससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बात करता हूँ ऐप परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों दोनों का ऐप परफॉर्मेंस कैसा है, तो आपसे बात करता हूँ वाईपे ऐप का, दोस्तों वाईपे ऐप का जो ऐप परफॉर्मेंस है नया अपडेट आने के बावजूद काफ़ी अच्छा नहीं है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, वो काफ़ी मतलब अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है वाईपे ऐप का, मुझे उतना अच्छा पसंद नहीं है वाईपे ऐप। लेकिन दोस्तों ये बात करता हूँ मैं ओमनी कार्ड का, तो ओमनी कार्ड काफ़ी अच्छा है, इनका ऐप परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मुझे लगा है, और बिल्कुल ऑसम परफॉर्मेंस लोग देते हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने ऐप को बनाया है और काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है, बग्स वगैरह बहुत कम ही है लगता है मुझे ओमनी कार्ड ऐप में, और काफ़ी कम बग्स है। और सो दोनों में आपको मिल जाता है फुल KYC का ऑप्शन, या दोस्तों वाईपे ऐप में अगर आप देखेंगे तो वाईपे ऐप में आपको देना पड़ेगा आधार अपना खुद का, मतलब पेरेंट का आधार नहीं देना आपको, बस आपको अपना खुद का आधार देना है, आधार नंबर में देना है, उसके बाद दोस्तों OTP वगैरह आएगा, आधार OTP आपको वेरीफाई कर लेना उससे, और शायद आधार अपलोड भी करना पड़ता है, आधार कार्ड फोटो अपलोड करना पड़ेगा आगे पीछे दोनों का, उसके बाद आपका दोस्तों फुल KYC हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 1,00,000 रुपये तक का लिमिट। लेकिन वही दोस्तों अगर बात करता हूँ ओमनी कार्ड ऐप का, दोस्तों ओमनी कार्ड में आपको मिल जाता है फुल KYC और मिनिमम KYC दोनों,
मतलब सिर्फ पैन कार्ड से भी केवाईसी कर सकते हैं, जिसमें आपको लिमिट कम कर दिया जाएगा आपको। और भैया अगर चाहे तो आप फुल केवाईसी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने पेरेंट्स का, जैसे दोस्तों अपना नहीं देना इसमें, इसमें आपको देना अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट नहीं शायद, और अपना फोटो वगैरह, अपना पेरेंट का फोटो वगैरह देना पड़ेगा। फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद आपका पूरा फुल केवाईसी हो जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा 1,00,000 रुपये तक का लिमिट ओमनी कार्ड ऐप में भी। और कुछ ऐसा है दोस्तों, और प्लस दोस्तों दोनों ही आपको, दोनों ही ऐप में आपको मिल जाएगा फुल केवाईसी की वजह से पैसा ट्रांसफर करने का ऑप्शन किसी दूसरे फ़ोन नंबर पे। मतलब जब समझ लीजिए कोई और आपका दोस्त वगैरह यूज करता है ओमनी कार्ड या फिर वाई पे ऐप, तो दोनों ही केसेज में आप आराम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, अगर आप उनका उसका मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर लिंक है उसका पर्टिकुलर ऐप से, लाइक वाई पे ऐप से लिंक है या फिर ओमनी कार्ड ऐप से लिंक है, दोनों ही केसेज में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली। और 1,00,000 तक का इसमें मिल जाता है लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दोस्तों मैं फाइनली बोलने बताना चाहूँगा, फाइनली मेरा वर्डिक्ट क्या है, क्या क्या मेरा रिकमेंडेशन है, क्या आपको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मुझे अच्छा लगा है ओमनी कार्ड, क्यों दोस्तों बताता हूँ मैं आपको ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, ओमनी कार्ड जो है उसमें एक अच्छा फीचर है, काफ़ी अच्छा फीचर है, और जिसके वजह से ये पूरा मैच हो जाता है, वो है इसका वाइप स्कैन पे का ऑप्शन। यानी दोस्तों ये जो स्कैन पे है, ये मोस्ट डिमांडिंग फीचर अभी तक का न्यू बैंक्स में, और बहुत से कम न्यू बैंक है जो कि इस फीचर को दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों ओमनी कार्ड जो है वो काफ़ी अच्छे से हम ये फीचर दे रहा है स्कैन पे, जो कि सिर्फ काम करता है मर्चेंट अकाउंट पर पूरा, ये UPI तो है नहीं है, UPI की तरह काम करता है लेकिन UPI पूरा नहीं है, ये स्कैन पे सिर्फ, मतलब कोई भी दुकान वगैरह में अगर आप कुछ खाते हैं तो डायरेक्ट आप स्कैन पे करके पैसा दे सकते हैं। दोस्तों वाई पे कोई आपको अभी तक ऐसा फीचर नहीं मिला है, बस आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं दुकान में। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है ओमनी कार्ड, क्योंकि ओमनी कार्ड इसलिए दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और ओमनी कार्ड मैं रिकमेंड करूँगा ओमनी कार्ड को। तो आप आराम से ओमनी कार्ड यूज़ कर सकते हैं और इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया दोनों में किसी में भी, तो आपको मैंने बता दिया सब कुछ, क्या क्या फीचर्स किसमें ज़्यादा मिल जाता है, किसमें कम मिलता है, और क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है दोनों में, मैंने बिल्कुल पूरा कर दिया कंपेरिजन। दोस्तों आपका बारी है, आपको जिसमें अच्छा लगा, जो भी मैंने बता दिया आपको, जो भी आपको अच्छा लगा उसमें आप अकाउंट क्रिएट कीजिए दोस्तों। और आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, मेरा रेफरल कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और नीचे पिंड कमेंट में मिल जाएगा आपको मेरा रेफरल कोड, यूज़ कीजिए मेरा रेफरल कोड और अकाउंट क्रिएट कीजिए दोनों में। और मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगा है ओमनी कार्ड ही, तो मैं अपना रिकमेंडेशन देना चाहूँगा ओमनी कार्ड के लिए, मैं ओमनी कार्ड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। और दोस्तों यही तक कंप्लीट वीडियो, और दोस्तों यही तक कंप्लीट वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए। बाय बाय, धन्यवाद मतलब दोस्तों।